और राइट गाइस, अपने वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से विन एस सी बी को यूज़ किया जाता है। हमने देखा कि फाइलज़िला से किस तरह फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। हमने देखा एफ टी पी क्लाइंट क्या होता है और क्यों यूज़ होता है उसका। अब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि जिसने भी आर्किटेक्चर बनाया उसने ऐसा क्यों बनाया, सिंपल से कंप्यूटर का ही लॉगिन क्यों नहीं दे दिया। तो कंप्यूटर के अंदर भी आप घुस सकते हो, एक ड्रॉपलेट के अंदर आप वी एन सी सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहता अभी। आप बस इतना समझो कि कोई भी अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए देगा तो वो आपको एक सर्वर का आईपी और यूज़र आईडी पासवर्ड देगा, आपको उसके थ्रू जो है लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो, सर्वर का यूज़र आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन करते हो, तो बेसिकली होगा क्या कि आप लोग उस सर्वर के अंदर जो है घुस पाओगे, उसकी फाइल्स को एक्सेस कर पाओगे, क्रिएट एडिट डिलीट जो भी करना चाहते हो उसके अंदर फाइल्स कर पाओगे। लेकिन हमने अभी तक एक चीज़ नहीं देखी, कोई भी वेबसाइट देख लो, इवन ये जो वेबसाइट मैं खोल के बैठा हुआ हूँ अभी तक, वो भी अगर आप लोग देख लो तो cloud.digitalocean.com ये वेबसाइट खुली हुई है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो वेबसाइट है ये एक आईपी एड्रेस तो नहीं है, ये तो हमको मालूम है। तो ये कैसे इन लोगों ने बनाई? तो देखो, ये लोग एक सर्वर तो यूज़ कर ही रहे हैं। अब इन्होंने क्या आर्किटेक्चर अपना बना रखा है मुझे नहीं मालूम, बट डेफिनेटली ये लोग एक सर्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने डेटा सेंटर अपना बना रखा है, और उस डेटा सेंटर में क्या कहानी है कि वो जो डेटा सेंटर है उसमें इन लोगों ने अपनी जो फाइल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी होस्ट करके रखी होंगी, और ये आपको सर्व कर रहे होंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लेलिस्ट है इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है बता रखी हैं शुरू से आखिर तक। तो अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली ज़रूर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, क्योंकि इसमें मैंने HTML CSS JavaScript और सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ बता रखे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, एक साथ आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पर बुक मार्क कर लें और क्लिक करके यहाँ पर सेव भी कर लें इस प्लेलिस्ट को। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, अब डोमेन की बात करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वेयर टू होस्ट योर वेबसाइट, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोग जो है होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। ठीक है, एक बहुत ही डिटेल्ड ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे आप लोग जो है एक सर्वर खरीद सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से काम करता है ये सब। तो अगर आप लोगों ने वो सब देखा है, ये वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है, तो आप लोग डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात करता हूँ। आप लोग जाकर जो है देख लेना ज़रूर से, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को अपने डिजिटल ओशन का रेफरल लिंक भी दिया था। इसको लेकर कई सवाल आए तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्या चीज़ है ये, मैं क्यों दे रहा हूँ रेफरल लिंक, क्या मैंने डिजिटल ओशन से पैसे लिए हुए हैं या फिर क्या मैं प्रमोट कर रहा हूँ डिजिटल ओशन को। तो देखो ऐसा होता है कि मैं ट्रांसपेरेंटली आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि कई कमेंट्स आए थे इस चीज़ को लेकर, मुझे हंसी भी आई थी बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ के। यहाँ पर रेफरल्स होता है, ठीक है, और आप लोग भी कर सकते हो ऐसा यार। अगर आप लोग के पास कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है या फिर कोई बड़ा ग्रुप है, तो देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप लोग अपने लिंक से किसी को साइन अप करवाओगे तो उसको $100 मिलेगा। ठीक है, उसको $100 इंस्टेंटली मिल जाएगा, लेकिन जब वो बंदा $25 खर्च करता है, यानी कि आप लोगों ने अगर मेरे लिंक पे क्लिक करके $25 खर्च किए तब मुझे $25 मिलेंगे, 100 नहीं मिलेंगे, 100 आपको मिलेंगे। तो फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा किसका है? आप लोगों का डेफिनेटली। और अगर आप लोग वैसे अकाउंट बनाते हो पैसे देकर तो बनाओ ना यार, कौन मना कर रहा है आपको? मैंने कहा बोला कि आपको इस रेफरल लिंक में ही क्लिक करके बनाना है। आप लोग जाओ digitalocean.com में, अगर आपको ये $100 नहीं चाहिए तो डायरेक्टली जाके बना लो अकाउंट। तो मुझे नहीं पता कि जो लोग लिख रहे हैं कि प्रोमोटिंग डिजिटल ओशन गुड स्ट्रैटेजी और ये वो, मैं डेफिनेटली कोई ऐसा डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट कि मैं इस सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ। और आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे एक पोटेंशियल रेफरल दे के जा सकते हो और खुद आप लोग $100 ले सकते हो, तो यहाँ पर आपका फ़ायदा ज़्यादा है, $100 आपको मिलेंगे पहले। $25 तो मुझे तब मिलेंगे जब आप लोग अगले 25 दिन में या फिर जो भी इनका रूल है, आप लोग $25 जब जो है खर्च करेंगे तब, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ यार कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है $25 खर्च करने की, आराम से मेरे रेफरल लिंक से $100 उठा लो, सीख साख लो, और सीख साख के जब अच्छा आप सेट हो जाओ तो जो मन जाए आप लोग यूज़ करना। तो जस्ट फॉर माई व्यूअर्स, जस्ट फॉर माई स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ यहाँ पर देखी है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को पैसे खर्च करने ना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को ये रेफरल लिंक दे रहा हूँ। और यहाँ पर रेफरल में ज़्यादा कोई वो नहीं है, आप देख लो यहाँ पर पूरा 0000 हो रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो बहुत ही मुश्किल से रेफरल मिलता है, पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो क्लिक्स वगैरह ये सब अपडेट हो जाएंगे बाद में। अब एनीवेज जो भी है मैंने आपको बता दिया जो भी चीज़ थी, अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं रेफरल को तो कॉपी करके आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
चलो छोड़ते हैं उन सब बातों को। और इवन अगर आप लोगों को चाहिए सर्वर, तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं कुछ सर्वर्स बना दूं और आप लोगों को दे दूं उनके पासवर्ड्स, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी एक इंसान ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया तो बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक ट्रस्ट के आधार पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाकर जब ये VPS वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं एक पिन कर दूंगा कमेंट और कुछ सर्वर बना के कुछ टाइम के लिए आप लोगों के लिए रख दूंगा, ताकि आप लोग जो है मेरे ही अकाउंट से, मेरे ही सर्वर से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा करने की, कुछ दो तीन टेस्ट सर्वर आप लोगों को पिन करके दे दूँ पिछले वाले वीडियोज़ में, जहाँ पर मैंने अपना रेफरल लिंक डाला हुआ है, और मैंने इवन रेफरल लिंक जो है सब जगह डाला भी नहीं है, तो सिर्फ इस वीडियो में डाला है, नेक्स्ट वीडियो में आई डोंट थिंक मैंने डाला है। एनी वेज मैं डाल भी दूंगा और आप लोगों को कुछ टेस्ट सर्वर्स बना के भी दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग समझे इस चीज़ को, मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताया। अब मैंने बताया था कि आप लोगों को एक डोमेन खरीदना पड़ेगा। डिजिटल ओशन की बात तो हमने की थी, वो तो सर्वर वाली बात हो गई। हमने उसके बाद बात की थी कि हम लोग डोमेन भी खरीदेंगे, हमें डोमेन खरीदने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डोमेन यहाँ पर जैसे ही आप लोग खरीदेंगे डोमेन, तो वो डोमेन आपका हो जाएगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा एक किसी भी तरह से आप लोग एक सर्वर पे कनेक्ट कर पाओ अपने डोमेन को। तो या तो आप उन्हीं की होस्टिंग यूज़ करो, या फिर आप क्या करो कि डायरेक्टली एक एयर अकाउंट बना दो अपने सर्वर में। अब ये एयर अकाउंट क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, एयर अकाउंट क्या होता है। देखो आप लोगों को करना क्या है कि कहीं से भी आप डोमेन खरीद लो। अभी इसका भी मैं रेफरल डाल सकता था, इनको इनका भी रेफरल होता है, बट छोड़ देते हैं रेफरल, मेरा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस जा नहीं रहा, लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है जब मैं रेफरल लिंक दे रहा हूँ। तो एनीवेज मैं गोडैडी का रेफरल लिंक नहीं दूंगा, जो भी है चल, आप लोग बस कहीं किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार से जाकर अपना एक डोमेन रजिस्टर करा लो, नेमचीप से करा लो, गोडैडी से करा लो, बिग रॉक से करा लो, होस्टगेटर से करा लो, 10 ऑप्शंस हैं। और इनसे भी नहीं कराना तो सर्च कर लो यहाँ पर गेट डोमेन, ठीक, गेट डोमेन लिखोगे पता नहीं कितने लोग आपको जो है मिल जाएंगे, गूगल डोमेन्स भी है। अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि कुछ लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि अरे भाई आप नया अकाउंट बनाओगे तो पहला डोमेन आपको 6 महीने के लिए फ्री मिल जाता है। मुझे मालूम है वो सब चीज़ें, वो सब चीज़ें मालूम है। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट सिंपल, मैं सिंपली आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि कहाँ पर मैं टाइम ही वेस्ट नहीं करना चाहता उन सब चीज़ों में, कि कहाँ पर मैं एक नया अकाउंट बनाऊँ फर्जी आईडी से, वो सब काम मैं नहीं करना चाहता। इट्स इज टोटली फाइन, मैं अपने अकाउंट से यहाँ पर आप लोगों को अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं थोड़े बहुत जो सर्वर की कॉस्ट है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है इसी सर्वर से सिखा दूंगा। तो डोमेन जो है आप लोग खरीद लेना, कहीं से भी, कहीं से भी खरीद लेना, बिग रॉक से खरीद लेना, गो डैडी से मैं खरीदता हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं प्रमोट कर रहा हूँ गो डैडी को, कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है गो डैडी से लेने का, कहीं से भी ले लो। मैं करता हूँ पर्सनली यूज़, जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी मेरे अपनी वेबसाइट्स होती हैं, या फिर और एक मैं नेमचीप भी यूज़ करता हूँ। तो मैं अलग अलग मल्टीपल चीज़ों के लिए अलग अलग डोमेन रजिस्ट्रार से यूज़ करता हूँ, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। होस्टिंग का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, डिजिटलोशन पे आपकी वेबसाइट खड़ी है, AWS पे खड़ी है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, डोमेन में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एयर अकाउंट लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग ईमेल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को एमएक्स अकाउंट वगैरह लगाना पड़ेगा, वो सब चीज़ बात की है। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे चीज़ों को, और सिंपल रखते हुए यहाँ पर गो डैडी में आप लोग अपनी आईडी बना लेना, गो डैडी में आईडी बना के आप लोग लॉगिन कर लेना। एक डोमेन ख़रीदना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप लोग कोई भी डोमेन ले लो, जैसे मान लो मैं लेता हूँ डोमेन हैरी ट्यूटोरियल्स, और उसके बाद हैरी ट्यूटोरियल्स एग्जाम्पल्स डॉट इन, मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए, बहुत ही वैसा है, हैरी ट्यूटोरियल्स एग्जाम्पल्स डॉट इन इज़ अवेलेबल। तो आप लोग जो है इसको, ये बोल रहा है आपको 149, शायद ये टैक्स वगैरह लगा देता है बाद में, आपको 3-4 साल के लिए लेना पड़ता है। जो भी है, जो भी डील मिल रही है आप लोग ले लो, ठीक है। कंटिन्यू टू कार्ट मैं करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसको ख़रीद नहीं रहा हूँ यार, उतने पैसे नहीं है, लेकिन आप लोग जो है खरीद लो कोई डोमेन अपने लिए। जैसे अगर आपका नाम रोहन दास है तो आप codewithrohan.com खरीद सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ खरीदना ही है आपको, खरीद सकते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर है वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ खरीदो। ईमेल पता नहीं क्यों ऐड कर दिया इसने, तो 2 साल के लिए इसने मुझे दिया था 748 में, 1 साल के लिए मुझे दे रहा है 399 में। तो इस तरह के डोमेन्स जो है सस्ते मिल रहे हैं यार, 399, 458 ले लिए लो इसने टैक्स ऐड करके, 500 के पत्ते में आपको डोमेन मिल रहा है 1 साल के लिए, तो ट्राई आउट कर सकते हो आप लोग। और वैसे भी कुछ रेफरल वगैरह चलते रहते हैं प्रोग्राम्स वगैरह अलग अलग वेबसाइटों पे, मुझे कमेंट आते रहते हैं कि अरे भाई यहाँ से तो मुझे फ्री में मिल गया, उन सब चीज़ों को वेरीफाई करके ले लो आप। प्रोमो कोड वगैरह बांटते रहते हैं, सर्च करो प्रोमो कोड के बारे में, गो डैडी का कोई मिल जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा कि ऑलरेडी मेरे पास एक डोमेन है और उसका नाम है programmingwithharry.com, तो वो डोमेन मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आप लोगों को दिखाऊंगा लॉग इन करके। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से गो डैडी में लॉग इन कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर,
मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा और फिर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि कहाँ पर आपको ये आईपी एड्रेस डालना है। तो ये आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे हम लोग, जो हमारी ड्रॉपलेट का आईपी एड्रेस है, और अपने डोमेन को इस आईपी एड्रेस से पॉइंट कराएंगे। डोमेन का सिर्फ उतना काम रहेगा, पॉइंट कराएंगे सिर्फ, ठीक है। तो चलो चलते हैं, पॉइंट कराते हैं। अभी आप लोग जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो मेरा अकाउंट है, programmingwithhari.com है वो, तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स लगाए हुए हैं। एक तो ए रिकॉर्ड लगाया हुआ है, आप लोगों को सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड लगाना है। आप लोगों को यहाँ पर ए लिखना है, एट द रेट लिखना है, और यहाँ वैल्यू में आईपी एड्रेस डाल देना है। तो कोई बाय डिफॉल्ट एक ए रिकॉर्ड हो सकता है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हो और यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस डाल सकते हो। तो एट द रेट पॉइंट्स टू, और ये कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, जो भी है आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो इसको। और एक यहाँ पर मैंने एक और एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ये मैंने अपने पर्सनल यूजेज के लिए डाला हुआ है, तो आप लोग को इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो मैंने CI/CD जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता है वो सेटअप किया था। आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है CI/CD क्या होता है, लेकिन मैंने बस ये डाला है। तो ये स्किप करके बाकी सारे आप डाल सकते हो। जो नीचे वाले होते हैं ये बाय डिफॉल्ट आते हैं GoDaddy, जब आप बनाओगे अपना अकाउंट, कोई भी एक डोमेन खरीदोगे। और ये ए रिकॉर्ड है, ये आपको ऐड करना है, या ऐड पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ऑलरेडी है तो एडिट कर सकते हो उसको। TTL को 600 कर देना, ठीक है। और ये करने के बाद सिंपली आप लोग सेव करो। सेव करने के बाद कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, कभी कभी टाइम लग जाता है। ये लोग तो बोलते हैं कि 48 घंटे लगेंगे पॉइंट होने में, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे के सारे डोमेन रजिस्ट्रार जो है 1 घंटे के अंदर अंदर ही, कभी कभी तो 5 मिनट में हो जाता है, आपका जो डोमेन है वो पॉइंट करा देते हैं आईपी एड्रेस में, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि 48 घंटे में हम लोग करेंगे, तो आप इनको कॉल करोगे अगर कि मेरा डोमेन पॉइंट नहीं हुआ, तो ये लोग बोलेंगे कि 48 घंटे वेट करो, उसके बाद ही हमें कॉल करना। तो वो चीज़ आप जो है ध्यान रखना, वैसे हो जाएगा, आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो करो और 10 मिनट वेट करो बस, और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंटिंग डोमेन टू आईपी एड्रेस। एक बार ये डोमेन मैंने पॉइंट कर दिया, मैं कुछ देर रुकूंगा और कुछ देर रुक के फिर वापस आऊँगा। तो मैं वापस आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, programmingwithhari.com पे जाऊंगा। और यहाँ पर देखो वेबसाइट जो कि हमने खड़ी करी थी वो programmingwithhari.com यहाँ पर जो है पॉइंट हो चुकी है। और अब programmingwithhari.com डालकर अपने ब्राउज़र में मुझे वेबसाइट दिखाई पड़ रही है। तो आप इस वेबसाइट को बना सकते हो एक फुली फ्लेजेड वेबसाइट, जैसे भी आप बनाना चाहते हो। आई होप कि ये डोमेन आपने पॉइंट करा दिया अपनी वेबसाइट से। अगर आप लोग कोई दूसरा डोमेन रजिस्ट्रार यूज़ करते हो, जैसे कि नेम चीप वगैरह, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बिग रॉक है, गूगल डोमेन्स है, वो सब अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग जो है उनके पैनल पे जाओ। वहाँ पे भी किसी तरह का एडमिन पैनल होता है, जो कि क्या करता है कि आप लोगों को ए रिकॉर्ड ऐड करने का ऑप्शन देता है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना है, होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से ऐड करना है डोमेन। अब अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, तो काइंडली इसको एक्सेस करो, बुकमार्क करो, सेव करो या क्लिक करके, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दिया करो। कमेंट में मुझे बताओ कैसा लग रहा है कोर्स, कैसा जा रहा है, क्या कोई टॉपिक है जो कि आप कवर करवाना चाहते हो मुझे। हालांकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया इस कोर्स में। ये कोर्स एक कंप्लीट कोर्स हो गया है, और जो जो रह रहे हैं उनको मैं करता जा रहा हूँ होस्टिंग से रिलेटेड। एक एंड टू एंड आप लोगों को वेब डेवलपर बना सकती है ये प्लेलिस्ट, ऐसी प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश है। और मुझे लगता है ये कोशिश जो है बहुत अच्छी तरह से जो है मेरी सफल रही है, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी प्लेलिस्ट बना दूंगा, इतने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है मैं रख पाऊंगा एक प्लेलिस्ट पर। लेकिन मैं फाइनली रख पाया इसको, और मैं एक बहुत बड़ी सक्सेस फील करता हूँ इस प्लेलिस्ट को बनाने के बाद। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को देखो, जिस तरह मैंने बनाई है ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए, उसी तरह आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखकर सक्सेस फील करो। मुझे बताओ कि आपको सक्सेस किस तरह मिली, कहीं जॉब लगी आप लोगों की तो मुझे बताओ। बहुत कमेंट आते हैं और मेरा दिल इतना खुश होता है इन सब चीज़ों को सुनकर कि आपको बता नहीं सकता। सो गाइस, आई होप कि ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत अच्छी जा रही है, प्लेलिस्ट आप लोगों ने जो है देखी शुरू से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।